दोस्तों इस वक्त की बेहद बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर दोस्तों मुंबई इंडियंस को हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के टीम ने किए 3 बड़े बदलाव। इस दिग्गज खिलाड़ी की हुई वापसी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि IPL 2020 के पहले मुकाबले में मुंबई इंडियंस को हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स के टीम ने कौन कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं, साथ ही में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम में कौन से दिग्गज खिलाड़ी की वापसी हो गई है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आज के इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 1000 लाइक का है, तो दोस्तों अभी के अभी इस वीडियो को 1 लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों आज IPL 2020 की शुरुआत होने वाली है। IPL 2020 का पहला मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला जाएगा। दोस्तों यह मुकाबला शेख जायद स्टेडियम के अबू धाबी मैदान पर खेला जाएगा। आप इस मुकाबले को शाम 7:30 बजे से देख सकते हो। टीवी पर देखना है तो स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हो और मोबाइल पर देखना है तो हॉटस्टार एप्लीकेशन के जरिए से आप इस मुकाबले को देख सकते हो। दोस्तों IPL के इतिहास में अगर चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के मैचों के बारे में बात की जाए तो अभी तक मुंबई और चेन्नई ने IPL में 28 मुकाबले खेले हैं, जिसमें मुंबई इंडियंस की टीम ने 17 मुकाबले जीते हैं तो वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम ने 11 मुकाबले जीते हैं। ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग्स की टीम यहां पर कमजोर नजर आ रही है और मुंबई इंडियंस की टीम ने अपना दबदबा भी कायम रखा है। दोस्तों आंकड़ों की बात करें तो यहां पर मुंबई इंडियंस की टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों आपको क्या लगता है IPL का पहला मुकाबला कौन जीतेगा, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दे। दोस्तों बात करें चेन्नई सुपर किंग्स की तो IPL 2019 में इन्होंने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया था और पॉइंट्स टेबल में नंबर 2 के स्थान पर भी मौजूद थी। दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स ने पिछले सीजन में शानदार प्रदर्शन करके फाइनल तक का सफर पूरा किया है। हालांकि उन्होंने फाइनल मुकाबला 1 रन से गंवा दिया, लेकिन फिर भी चेन्नई की टीम को हल्के में लेना यह बहुत ही बड़ी भूल हो सकती है। दोस्तों बात करें मुंबई इंडियंस की टीम की तो IPL 2019 में इन्होंने बेहतरीन और कमाल का प्रदर्शन करके हर किसी का दिल जीता था और पॉइंट्स टेबल में नंबर 1 के स्थान पर भी मुंबई इंडियंस की टीम मौजूद थी। दोस्तों मुंबई इंडियंस की टीम ने IPL 2019 का खिताब जीता है, साथ ही में IPL में अभी तक मुंबई की टीम 4 बार चैंपियन बन चुकी है। ऐसे में कहीं न कहीं IPL 2020 में भी मुंबई इंडियंस की टीम मजबूती से नजर आ सकती है और शानदार प्रदर्शन भी कर सकती है। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं मुंबई इंडियंस को हराने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने कौन कौन से 3 बड़े बदलाव किए हैं, साथ ही में चेन्नई की टीम में कौन से खिलाड़ी की वापसी हो गई है, तो चलिए विस्तार से जान लेते हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं बदलाव नंबर 1 की। जी हाँ दोस्तों, बदलाव नंबर 1 में यहाँ पर सुरेश रैना की जगह अंबाती रायडू आप सभी को नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि सुरेश रैना जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के बेहतरीन खिलाड़ी हैं और उपकप्तान भी हैं, ऐसे में सुरेश रैना IPL 2020 को खेलने से इंकार किया है, जिसकी वजह से अंबाती रायडू आप सभी को अब नंबर 3 पर खेलते हुए नजर आएंगे। दोस्तों आप सभी को बता दें कि अंबाती रायडू चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 2-3 सालों से खेलते हुए आ रहे हैं और इन्होंने जिस तरह से चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलते हुए प्रदर्शन किया है वह काबिले तारीफ है। अंबाती ने IPL के इतिहास में बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है और इन्हें एक अनुभवी खिलाड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों अंबाती रायडू बड़े बड़े शॉट्स लगाने के लिए भी जाने जाते हैं, साथ ही में जरूरत पड़ने पर शानदार तरीके से बल्लेबाजी करते हुए मैच को जिताने की भी काबिलियत रखते हैं। दोस्तों अब यहां पर नंबर 3 पर अंबाती रायडू आप सभी को बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दोस्तों ऐसे में यहां पर अंबाती रायडू के पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी बढ़ जाती है, क्योंकि अब अंबाती रायडू सुरेश रैना की जगह खेल रहे हैं। नंबर 3 पर खेलना कोई आसान बात नहीं होती है, तो ऐसे में यहां पर देखने वाली बात होगी कि पहले मुकाबले में किस तरह से अंबाती रायडू प्रदर्शन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 2 बदलाव की। जी हां दोस्तों, नंबर 2 बदलाव की बात करें तो ड्वेन ब्राउ की जगह सैम करन आप सभी को बेहतरीन तरीके से बल्लेबाजी और गेंदबाजी करते हुए नजर आ सकते हैं। दरअसल दोस्तों आप सभी को बता दें कि ड्वेन ब्राउ जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर के तौर पर यहां पर बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, बल्लेबाजी में चाहो या फिर गेंदबाजी
बल्लेबाजी में चाहो हर तरह अपना जलवा बिखेरते हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी को बता दी कि ड्वेन ब्रावो जो कि चोटिल हो चुके हैं, सीपीएल के मैच में वह चोटिल हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी तक उनकी इंजुरी ठीक नहीं हुई है और ऐसी खबरें आ रही हैं कि ड्वेन ब्रावो पहले मुकाबले में नहीं खेलेंगे। तो दोस्तों ऐसे में यहां पर उनकी जगह चेन्नई सुपर किंग्स की टीम सैम करन को खिला सकती है, क्योंकि दोस्तों सैम करन भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर है, इंग्लैंड का यह बेहतरीन बल्लेबाज भी है और गेंदबाज भी है, बहुत ही शानदार प्रदर्शन करता है। दोस्तों सैम करन एक युवा खिलाड़ी है जो कि अपने युवा जोश से चेन्नई सुपर किंग्स को काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। दोस्तों ऐसे में यहां पर देखने वाली बात होगी कि सैम करन भी किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं नंबर 3 बदलाव की। जी हाँ दोस्तों, नंबर 3 बदलाव की बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स की टीम में दीपक चहर की वापसी होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, इस दिग्गज खिलाड़ी अब वापस आ चुका है। बात ऐसी है कि दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेलने वाला यह गेंदबाज कोरोना वायरस की वजह से पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन दोस्तों 14 दिन क्वारंटाइन होने के बाद कुछ ट्रीटमेंट करने के बाद अब दीपक चहर नेगेटिव हो चुके हैं। उनके रिपोर्ट्स 2 बार नेगेटिव आए हैं और अब पहले मुकाबले में दीपक चहर खेलने के लिए तैयार भी हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पर अगर चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से दीपक चहर खेलते हैं तो चेन्नई सुपर किंग्स की तेज गेंदबाजी इकाई मजबूत हो सकती है, साथ ही में उनके साथ खेलने वाले गेंदबाजों को और भी ज्यादा मजबूती हासिल हो सकती है। दोस्तों दीपक चहर ने चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शानदार प्रदर्शन किया है और इस दिग्गज खिलाड़ी की वापसी पर हर कोई खुश है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि दीपक चहर भी किस तरह से आईपीएल 2020 के पहले मुकाबले में प्रदर्शन करते हैं। ऐसे में दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने उन 3 बदलावों के बारे में बता दिया। दोस्तों आप सभी से हमारा सवाल है कि चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच होने वाले इस महामुकाबले को कौन जीतेगा, चेन्नई की टीम जीतेगी या फिर मुंबई की टीम जीतेगी, उसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही में दोस्तों इस वीडियो को दिल से लाइक जरूर करें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और दोस्तों क्रिकेट से जुड़ी हर खबर पाने के लिए अभी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके बाद घंटे वाली बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही।